हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड है मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने, ओनली वन सब्सक्राइबर ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम जो ये आप कंटेंट अरेंज करती हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, जो भी आप कंटेंट अरेंज कर रही हैं या जो भी आप क्वेश्चन अरेंज कर रही हैं, तो वो आप कहाँ से कर रही हैं, ये क्वेश्चन था उनका। और उनका ये क्वेश्चन था कि आप जिस बुक से भी कर रही हैं प्लीज़ मुझे वो बुक्स प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। तो देखो, मैं उन्हीं की वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा और मेरे पास अभी टाइम उतना है नहीं कि मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, बट हाँ अभी तक तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि मैम ये चैनल, ये जो प्लेलिस्ट आप स्टार्ट किए कंप्लीट कर दीजिए या फिर इसकी नीड है मुझे, ये किसी ने भी मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया, तो मैं भी स्टॉप हो गई। बट हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का रिक्वेस्ट आया था आई थिंक 1 मंथ पहले कि मैम इसी ये जो प्लेलिस्ट है आपकी इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो वहाँ पर मैंने 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, सिर्फ 2 यूनिट बचा हुआ है, वो भी आपको मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द उसे उस प्लेलिस्ट को मैं कवर कर दूँ। और उसके अलावा तो और किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई रिक्वेस्ट था नहीं, तो इस वजह से मैंने और कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, जावा के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जावा के आपको 8th वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है, उस 8th वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के, सिविल के, आप कहीं के भी हो, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें हैं फिलहाल। तो जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था उनके बुक चाहिए थी, तो मैं वो सारी जो भी मेरे पास बुक्स हैं मैं उनकी एक लिंक बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनका नाम नहीं याद है, बट हाँ मैं यहाँ स्क्रीन शॉट लेके लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, थंबनेल पे भी उनका लगा दूंगी कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कंटेंट अरेंज करती हूँ मोस्टली मैं विकिपीडिया से करती हूँ। विकिपीडिया मैं एक तरह से बेस्ट मानती हूँ। विकिपीडिया में मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकिपीडिया पहले नहीं लगता था, पहले मुझे विकिपीडिया देख के बोरिंग सा लगता था, बट जब मैं ये लेक्चर्स यूट्यूब पे आई, देन जब मैंने ये लेक्चर से स्टार्ट किया, तो मैंने यूट्यूब ये विकिपीडिया से ही स्टार्ट किया, विकिपीडिया से सारी मटेरियल को अरेंज करना स्टार्ट किया। देखिए, मैं सिर्फ विकिपीडिया पे ही डिपेंड नहीं थी, विकिपीडिया के साथ साथ जो बेस्ट बुक मुझे लगती हैं वो बेस्ट बुक प्लस अलग अलग साइट से मुझे जहाँ से कंटेंट मिल जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई एक साइट उठाते हैं और वहाँ से वो पढ़ते हैं, उतने में वो अपना अपने आप को फुलफिल समझते हैं कि हाँ मैंने जितना पढ़ा वो ठीक है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक साइट से, हर एक जगह से जितना बेस्ट तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करती हूँ। तो इसलिए मैं एक चीज़ नहीं बता पाऊँगी कि मैं एक चीज़ कहाँ से करती हूँ, लेकिन हाँ विकिपीडिया हो गया और भी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक को ले लेके मैं सर्च करती हूँ अलग अलग साइट से, तो हर एक जगह से जहाँ से मिल जाए वहाँ से वो मैं कंटेंट अरेंज करती हूँ। प्लस मैं बुक का यूज़ करती हूँ साथ में ही, बुक भी रखती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं अपने कंटेंट अरेंज करती हूँ और आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो मुझे इसलिए मैं एक वीडियो बनाने में पूरे सुबह से लेकर शाम हो जाता है क्योंकि हर एक जगह से मुझे फाइंड करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो इस वजह से एक ही दिन में मैं सिर्फ एक ही वीडियो उस टाइम बना पा रही थी, बट अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। फिलहाल स्टार्ट करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में स्टार्ट करूँगी और जावा तो चल ही रहा है। चलिए, ये बातें तो हो गई, आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए, आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि मैं बुक प्रोवाइड कर दूँ, तो वो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 3 बुक लेके चल रही हूँ। फर्स्ट बुक ये है, सारी बुक जितनी भी है ना ये सब PDF में ही है और ये सारी बुक्स आपको नेट पर मिल जाएंगी। मैंने ये सारी बुक्स नेट से ही डाउनलोड की हुई है, तो अगर आप नेट से नहीं चाहते हो डाउनलोड करना, मैं जो लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ वहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं इन बुक्स को अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ से भी ले सकता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सारी चीज़ें यहाँ कंटेंट दिख रही होंगी। ये आपके लिए फर्स्ट बुक है। सेकेंड बुक जो है आपका ये रहा। ये तीनों बुक ना मैंने फाइंड किया था AKTU की साइट से, मैंने फाइंड किया है क्योंकि जो मेरा ये लेक्चर्स था जो मैं जब मैं स्टार्ट की थी, तो उस समय मेरा यही था कि मैं AKTU के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। बट मुझे बाद में पता चला कि AKTU स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं जो कि मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने और भी बाकी चीज़ें अरेंज की है। सॉरी, ये तो मेरा शायद 2 पेज का ही है।
दो पेज का तो नहीं है, इधर से सॉरी, यहाँ आप देख सकते हो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे कंटेंट हैं, ये सारी चीजें आपको कंटेंट है। आप कोशिश कीजिए आप जब भी पढ़ते हो तो टॉपिक वाइज, मैंने ये बात आपने हर एक वीडियो में बोला है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप एक टॉपिक वाइज, जैसे कि अगर आप यही पढ़ते हो लीनियर मॉड्यूलेशन टेक्निक, अगर आप यही पढ़ते हो तो ये पहले ये टॉपिक उठाओ, इसके बारे में जानो ये होता क्या है, फिर इसके बाद उसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उन्हें आप पढ़ो। मैं हमेशा यही करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये आपकी सेकेंड बुक है, इसकी भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ से देख लो आपका यूनिट यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है अपनी वीडियो में, मोस्टली आई थिंक सो 10, 15 to 16 होंगी वीडियो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि बहुत पहले बनाई थी वीडियोस, तो आधे हैं इसके भी है, इसके ज़्यादा वीडियो नहीं है बट हाँ हैं इसके वीडियो, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उस सारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर दूंगी ताकि कंप्लीट हो जाए आप लोगों का। और हाँ, अगर किसी का एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है या बुक की रिक्वायरमेंट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे पास अगर उस सब्जेक्ट की नोट्स या क्वांटम होगी, मैं अगर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो मैं आपको वो जो नोट्स होंगी या जो भी क्वांटम होंगी या कोई बुक होगा जो भी मेरे पास होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थर्ड जो बुक है हमारा वो ये है, ये भी अच्छी बुक है, मैंने ये तीनों बुक को ही यूज़ किया था वीडियो में ही, जो भी मैं वीडियोस आप लोग को वायरलेस की प्रोवाइड की है उनके लिए मैंने यही तीन बुक यूज़ किया था। और तो मैंने बता ही दिया है, विकिपीडिया और अदर साइट्स की जो भी मैंने यूज़ की हुई है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी सारी चीज़ें टॉपिक वाइज है, अच्छी तरह से हर एक चीज़ क्लियर है, मुझे ये बुक्स अच्छी लगी तो इस वजह से मैंने यहाँ से बनाया। अब स्पेशली पता है बुक जब ना दिखने में सुंदर लगती है ना तो उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मेरा ये है। मैं जब भी लाइब्रेरी से भी बुक इशू करवाने जाती थी तो मैं देखती थी बुक दिखने में अच्छी है कि नहीं है, मेरी आदत थी कि जो चीज़ दिखने में अच्छी है उसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, तो उस समय थोड़ा बचपना था तो मैं वही चीज़ करती थी, अभी भी है, अभी भी मैं वही करती, इसलिए मैं नोट्स जो भी बनाती हूँ सॉरी, मैं जो भी नोट्स बनाती हूँ इसी वजह से उसे अच्छे से बनाती हूँ ताकि दिखने में सुंदर लगे, दिखने में सुंदर लगेगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुक्स हैं, तीन बुक हैं मेरे पास, ये तीनों बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस अगर इसके नोट्स चाहिए या क्वांटम चाहिए, AKTU के स्टूडेंट्स क्वांटम ही यूज़ करते हैं, तो क्वांटम आई थिंक ये वायरलेस के मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं अपने चैनल पे, और किसी वीडियो में मैंने इसकी लिंक भी प्रोवाइड की हुई है। तो आप मेरे चैनल पे अगर रेगुलर हो, मेरे सब्सक्राइबर, तो आपको पता होगा कौन सी वीडियो में है क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतना याद है कि मैंने प्रोवाइड किया है। प्लस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने वायरलेस के, इलेक्ट्रॉनिक स्विचे के और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, इन तीनों के क्वांटम भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मेरे किसी वीडियो में होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ये सिर्फ रिक्वेस्टेड थी वीडियो जो कि किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, तो उसी की वजह से मैंने ये वीडियो प्रोवाइड किया आपको। सारी लिंक से जो भी बुक्स हैं आपको मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और ज़रा सी भी हेल्पफुल होती हैं मेरी वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो भी मैं बुक्स या नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ वो कैसी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय आप जितना ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज जो मेरा रेगुलर चलता है वो तो मैं करूंगी, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।